सर मेरा नाम मोहन सिंह है, गांव मेरा वैदवाला, जिला सिरसा का रहने वाला हूं। हाँ सर, मेरा शौक, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, तो उस टाइम जो बाल सभा की घंटी होगी तो उस टाइम मैं गाने वगैरह गाया करता था, तो डायलॉग वगैरह बोले करते थे, तो उधर से शौक हो गया मेरे को। तो मैंने मैट्रिक में पढ़ते हुए पेपर दे रहा था, तो पेपर बीच में ही छोड़ करके मैं इंटरव्यू इंट्रोडक्शन देने के लिए चला गया। यहाँ हमारे प्रोडक्शन थे, यहाँ दिल्ली में अश्विनी प्रोडक्शन था, तो उनके मैं पहली बारी आया हूँ, तो उन्होंने मेरे सेलेक्ट किया। उसके बाद में मैंने गुरमंत फिल्म प्रोडक्शन का जो है ऑडिशन दिया, और वहाँ भी मेरे को उन्होंने एक दो फिल्मों में काम मिला। तो पहली फिल्म मेरी नशा मूवी थी, उसमें मैंने फादर का रोल किया है। नशे के ऊपर मूवी हमारी बहुत अच्छी फिल्म है, तो संदेशा देने वाली है आजकल के नौजवान बच्चों को भी, नशा जो है नशे से दूर रहो। इसमें बहुत कुछ दिखा रखा है कि कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, या कोई और अफीम वगैरह, बहुत अच्छी इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हर एक जवान जो है माँ बाप को रोशन करने के लिए कोई ऐसा काम करें जिससे माँ बाप की भी शोभा हो, और यार दोस्तों की, मित्रों की, और रिश्तेदार बहन भाइयों का भी नाम ऊँचा हो। तो उसके बाद में मैंने एक फिल्म आई है हमारी, उसका नाम है शंकरा मूवी। उसके डायरेक्टर हैं आशु मलिक, बॉम्बे से हैं, तो उन्होंने यहाँ जमाल में शूट करा, उसमें मेरा नेगेटिव रोल है उसमें। उसके बाद फिर उन्होंने जुनून इश्क फिल्म करी, तो उसमें मैंने हीरो के नौकर का रोल किया, तो हीरो ये हमारे आशु मलिक जी है, डायरेक्टर भी वही कर रहे हैं और प्रोड्यूसर भी वही। फिर उसके बाद में मेहंदी तेरे नाम अभी यूट्यूब पे आ रही है, तीनों फिल्में हमारी यूट्यूब पे आ रही हैं, उसमें भी मेरा ये नेगेटिव रोल है। सर ऐसा है भाई, जैसे हमारे को ड्यूटी मिलती है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने ड्यूटी करी उसमें फिर हमारे को जैसे 5-7 दिन बीच में मिल जाते हैं, तो उसके बाद में हम वहाँ शूट पे चले गए, हमारे पास मैसेज आया, तो हम वहाँ भी यहाँ शूट होता है वहाँ चले जाते हैं, तो 5-7 दिन का शूट कराया और उसके बाद में अपनी ड्यूटी पे आ गए। जनता की सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ ये अपने शौक भी पूरा हो रहा है। तो शौक कैसे चढ़ा आप होगी फिल्म लाइन के अंदर भी जाएंगे, कैसे मन किया आपका? शौक भाई गाने बजाने की इच्छा से ही मेरा शौक हुआ है। गाने गाने का शौक था मेरे का, तो डायलॉग वगैरह बोलने अकेले में गुनगुना रहा करता था मैं। पुलिस में मैं टेलर मास्टर का काम भी करता हूँ, तो टेलर मास्टर का काम मैंने 15 साल तक किया है। मेरा बड़ा भाई है पूरन सिंह, गांव बैलवाला से मेरे पड़ोस में मेरे भाई, तो वो हैफड़ में सुपरवाइजर है इस टाइम, तो वो मेरे को लेकर गया हमारे ऑफिस में, पंप का डिपार्टमेंट में,
तो हमारे अमर सिंह कमांडर होया करते थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ इस लाइन में एडजस्ट किया। कहते यार आप वो फिल्मों में जाते हो उधर, उसके बाद में जो कर रहे होगे इससे अच्छा भी कोई ना कोई जॉब कर लो तो वो करिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं वहाँ जाकर सिलेक्ट हो गया। तो परिवार में जब चर्चा होती है, पुलिसकर्मी के तौर पर भी होती है, एक्टर के तौर पर भी होती है, अभिनेता के तौर पर, किस तरह का महसूस होता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता सर, जब कोई भी काम करते हैं ना तो हमारा बचपन जो है गरीबी में बीता है, झोंपड़ी में रह करते थे हम, तो जब हमारे आज हम उस लेवल पे हैं भी, जो भी हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं वो भी ऑफिसर हैं और हम भी मेहनत करते करते थोड़ा बहुत अपना रहने का जुगाड़ कर सकते हैं। परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में 5 भाई हैं और मम्मी पापा तो मालिक को प्यारे हो गए, अब अलग अलग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं।